इसका जो बोर्ड है देख लो आप, वडोदरा से उज्जैन इसका रूट होने वाला है इंदौर। ये देख लो आप कांवर, भाई साहब सावन का महीना है। स्वागत है भाई लोग आप सभी को द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में। ये हमारी बस छुपी हुई है और ये रही हमारी नाश्ता आज का। हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ वडोदरा में और आज की जर्नी हमारी होने वाली है यहाँ से उज्जैन तक, वो भी GSRTC बस के साथ। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और करते हैं जर्नी की शुरुआत। तो भाई मैं उस वाले रास्ते से आया हूँ, इस तरफ है बस का प्लेटफॉर्म, देखो नंबरिंग भी दिया हुआ है इधर से लेके पूरे लास्ट तक है और टोटल है 20 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। और सुबह का माहौल है कुछ ऐसा है, अभी 6 बजे हैं, हमारी जो गाड़ी यहाँ से 6:30 को है तो अभी आधा घंटा में यहाँ रुकना पड़ेगा। बाकी इधर स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है तो खाने वाने की चीज़ें यहाँ पे यहाँ से ले सकते हो। अब पूछताछ करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो भाई ये आ चुके हमारी बस समय से 10 मिनट पहले, देख लो आप लिखी हुई है वडोदरा से उज्जैन। अब इसका जो रूट है वो भी देख लो आप, इंदौर धार झाबुआ लिम्बोड़ा गोधरा होते हुए उज्जैन तक जाएगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। तो भाई ये आ चुके हमारी बस, देख लो एसी है ऊपर एक विश्वामित्री गुजरात डिलक्स एक्सप्रेस। इसका जो बोर्ड है देख लो आप, वडोदरा से उज्जैन इसका रूट होने वाला है इंदौर धार झाबुआ लिमखेड़ा गोधरा, ये सब उसका रूट होने वाला है। तो देख लो कुछ ऐसा है। तो ये रही जी हमारी बस आज की जर्नी का, चलिए चलते हैं अंदर। अभी तो देख लो पूरा सीट खाली है खाली है। और इसका इंटीरियर थोड़ा दिखाते हैं आपको, देख लो 3x2 का सीट है, इधर 3 है इधर 2 है और ऊपर लगेज वाला जो है स्पेस दिया ही हुआ है, ऐसा है कुछ। देखो और सीट काफ़ी मुलायम है यार, देखो ओ भाई। तो टाइमिंग देख रहे हो आप, एकदम राइट टाइप हमारी जो बस है ना, ये रहा वडोदरा का सेंट्रल बस स्टेशन, देख लो ऐसा कुछ है। टोटल 20 प्लेटफॉर्म है यहाँ से अब डिपार्च हो रही है और ये लगी है वॉल्वो का GS8 टाइप बस। तो भाई अभी निकले हुए हैं वडोदरा से, 10 मिनट हुई है और ये रही हमारी टिकट यहाँ से उज्जैन की, 456 रुपये देख लो ना आप, टोटल दूरी जो है 419 किलोमीटर। तो इस तरह का टिकट है GSRTC बड़ौदा, ये रहा। तो भाई हमारी बस आई हलोल, अपनी इस जर्नी का पहला हॉल्ट, देख रहे हो ना पूरा खुला खुला है, बारिश भी हो रही है, चलिए चलते हैं। तो भाई टाइम देख रहे हो 8:30 हो चुका है और हमारी बस अभी आई है गोधरा, ये देखो। और यहाँ पे हमारी बस का आने का टाइम था यही, लगभग आधे घंटे की देरी चल रही है। और ये रहा गोधरा का स्टेशन अंदर का, देखो नज़ारा कुछ ऐसा है, अंदर स्टॉल वगैरह भी है चाय वगैरह पीने के लिए या फिर स्नैक्स वगैरह बिस्किट वगैरह कुछ खाना चाहते हो तो अंदर से ले सकते हो, देखो उधर स्टॉल है। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर और करते हैं जर्नी को शुरू।
भाई साहब नज़ारा देखो आप, ये दाहोद का चैप्टर देख रहे हो आप, बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई है। तो भाई जी ये रहा दाहोद हमारी इस बस के स्टॉप। अब कीचड़ देखो आप इस स्टेशन में, भाई साहब एकदम खराब है, क्या ही बताऊं, पूरा कीचड़ कीचड़ है, देख रहे हो ना ऐसा है स्टेशन। हमारी गाड़ी यहाँ पे एकदम ऑन टाइम आई है, तो वो लगी है हमारी बस। और ये रहा इसके अंदर है कुछ नज़ारा देखो, ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन जो स्टेशन है भाई साहब एकदम गंदा पड़ा है देखो, क्या ही बताएं। देखो जिधर देखो आप पूरा कचरा फैला हुआ है, अंदर का माहौल थोड़ा अच्छा है, साफ सफाई है अंदर, लेकिन बाहर तो पूरा। तो चलिए जी बैठते हैं बस के अंदर, ड्राइवर साहब आ गए हैं और अब तक हमारी जो गाड़ी है एकदम ऑन टाइम चल रही है। बाकी देखते हैं नज़ारा, अब तक तो अच्छा चल रहा था। गोधरा से दाहोद के बीच में क्या नज़ारा था भाई साहब, लोग देखे ही होंगे, मस्त नज़ारा। और भी आगे आने वाला है, और भी मस्त मस्त नज़ारा है, दिखाते हैं आपको। चलिए बस हमारी अब निकलने वाली है, कर रहे जर्नी को कंटिन्यू, बने रही वीडियो में, अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। गाड़ी पे चढ़ रहा है भाई साहब, क्या नजारा है यार, ओह ओ भाई। टाइम देख लो आप, 12 बज चुका है और अभी हमारी जो गाड़ी है ना आई है स्टूडेंट के पास, मतलब
खाने के लिए। भाई अभी हमारी गाड़ी आई है एक स्टूडेंट के पास, सुबह से लेकर कुछ खाए भी नहीं थे, ना चाय पिए, कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ जो गाड़ी है अपने होल्ड पे रुक रही थी। तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी का है 20 मिनट का होल्ड है, इसमें खाना वाना खा सकते हैं। बाकी जिस रोड पर भी चल रहे थे ये है इंदौर अहमदाबाद हाईवे, जो इंदौर तक जाएगी। यहाँ से जो इंदौर है 120 किलोमीटर है और उज्जैन जो है 170 किलोमीटर। बाकी जो ढाबा देख रहे हो आप, चलिए चलते हैं इसके अंदर, देखिए क्या क्या मिलता है और खाते हैं और बाकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 20 मिनट का टाइम है, जल्दी खाते हैं। तो एयर स्टूडेंट रहा जी, ऊपर देख लो समोसा कचौरी चाट यही सब मिलता है, थाली वगैरह का उपलब्ध नहीं यहाँ पे, ऐसा स्टूडेंट है। तो चलिए यही सब कुछ खाते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हो आप, उधर है हमारी बस छुपी हुई है और ये रही हमारी नाश्ता आज का। 12:30 हो चुका है भाई साहब, ये दो कचौरी लिया मैंने और ये रतलामी से ऊपर से। चलिए खाते हैं इसको जल्दी जल्दी और फिर चलते हैं अंदर बस के। भाई साहब बारिश तो जम के हो रही है, देखो तो भाई ये है माही रिवर, पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखो ना। गुजरात में जितनी भी नदियाँ हैं भाई साहब एकदम उफान में है। स्वागत है जी आप सभी को द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में, और देखिए यहाँ पर कचरा बचरा है कि नहीं, मैं तो दिखाता हूँ। ये रहा बाहर का नज़ारा, देखो आप कचरा ढूंढना कचरा, क्योंकि ये है पूरे भारत का सबसे क्लीन सिटी। नीला कचरा भाई लोग, लोग सिर्फ कचरा देखो कहाँ पे कचरा है, मानना पड़ेगा जी। देख रहे हो कितना क्लीन है, भाई लोग आप सभी को द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में। और मैं जब से हमारी जो बस इंदौर में आई है ना, मैं कचरा ढूंढने पर लगा हूँ, सच में यार क्लीन तो है पूरे इंडिया में माना पड़ेगा। और मैं आपको वही दिखाने ला रहा था, ये देखो आप फुटपाथ ही देख लो कितना क्लीन है, और मैं आपको दिखाता ला ही रहा हूँ सभी जगह क्लीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड ही क्लीन है भाई साहब, दुकानें और जहाँ जहाँ से बसें आई है ना मैं देखते आया हूँ पूरा क्लीन ही क्लीन है। हालांकि हमारी बस जो है ना बस स्टैंड नहीं आएगी, सीधे हाईवे से निकल जाएगी उज्जैन की ओर, क्योंकि पब्लिक पूरी खाली हो चुकी है, बस में कोई है ही नहीं, मतलब दो तीन बंदे हैं, मैं हूँ, एक दो और बंदे हैं बस, इतना ही। इधर रही हमारी बस खड़ी, देखो अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ दो बंदे थे वो भी गए हैं टॉयलेट करने के लिए उस तरफ। तो टाइम देख रहे हो ना, 3:13 हो चुका है, हमारी बस जो है इंदौर से निकल चुकी है, और 3 बजे तक इंदौर आ चुकी थी, और यहाँ से जो उज्जैन है 50 किलोमीटर है, मुश्किल से 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा लगेगा। तो हमारी जो बस का टाइमिंग था 4:30 बजे तक जॉइंट पहुँचाने का, आराम से पहुँचा देगी यार, मतलब राइट टाइम पे मानना पड़ेगा। तो चलिए 2 घंटा भी और है, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओ देखो भाई साहब यादि योगी का स्टेच्यू देख रहे हो ना आप,
पूरा डीजे के बाहर साथ ही निकल रहा है भाई साहब। आधा घंटा तो हमें यहीं लग गया भाई, चार से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक भी जाम जो है ना छूटा नहीं है। देखो टोल के पास भी कितना जाम है भाई साहब, कितना सा जर्नी चल रहा था। तो भाई साहब फाइनली एक घंटे के बाद हमारी जो बस है ना यहाँ से निकली गई। भाई साहब अब मजा आ रहा है स्पीड में, देखो अभी चल रहा है सावन का महीना इसलिए देखिए ये लोग जा रहे हैं उज्जैन जल ढारने भोला बाबा पर। तो भाई स्वागत है आप सभी को उज्जैन में। अब आ ही गए मतलब बस 5 किलोमीटर और रहा है। भाई टाइम हो रहा है 5:20 और हमारी बस उधर आके लग रही है और ये रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नानखेड़ा बस स्टैंड। एक घंटे की देरी से आई है क्योंकि एक घंटा हम लोग जाम में फंस गए थे। वैसा है बस स्टैंड उज्जैन का देखो। चलिए भाई व्यू करते हैं समाप्त, बताएगा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।